अपने बैक टू बैक माई श्योर पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि 10, 20 mm, जैसे कि GSB WM और DVM वगैरह का। तो आपको मेरी वीडियो पे बने रहें, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि जैसे कि मैं आज 10 mm का सैंपल लेके चल रहा हूँ कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो बने रहें मेरी वीडियो पे। दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल सिविल पॉइंट में फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 mm का सैंपल कैसे तैयार करें। जैसे कि 10 का 4.75 और 12.5 का फीड यहाँ पर हम लगा के इसको तैयार कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो पर बने रहे हैं, आपको इसके बारे में टोटल जानकारी मिलेगी। जैसे कि हमको 20 kg का सैंपल बनाना है, तो इस हिसाब से हमको जितना भी सीप मेरा लगता है, जैसे कि 12.5, 4.75, 10, इस सब का हमको रिटर्न वेट लेना है सबको हम। और उसके बाद हम उस सबका परसेंटेज निकालने के बाद हम देखेंगे कि कितना इसमें हमको मिलाना है, कितना केजी वेट मिलाना है। सबका रिटर्न लेने के बाद होगा प्रोसेस, आपको टोटल जानकारी मिलेगा। सिर्फ आप देखते रहे वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जैसे कि 10 का रिटर्न है और ये 4.75 का रिटर्न जो कि अभी लड़का कर रहा है, सबका हमको रिटर्न वेट लेकर रखना है। इसका परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, देखिए इस तरह से परसेंटेज निकालने के बाद इस सबको हम ऐड करेंगे और उसके बाद इसका एक सैंपल रेडी हो जाएगा 10 mm शीट का। जैसे कि मेरा अभी मटेरियल घट रहा है, जो मेरा परसेंटेज हम निकाले हुए हैं इसके हिसाब से अभी और हम इसमें कर रहे हैं। देखिए, जो 12 का लगाना है, 10 का लगाना है और 4.75 का लगाना है, और टोटल हमको देखना है कि हमको रिटर्न वेट हमको टोटल का लेना है। और उसके बाद हम इसका प्रोसेस करेंगे कि परसेंटेज जो हम बैग से निकाल कर रखेंगे उसमें से हमको ऐड करना है कि हमको 12.5 का कितना रिटर्न माल चाहिए, 10 का रिटर्न कितना चाहिए, 4.75 का कितना रिटर्न माल चाहिए। इस हिसाब से हम इसको एक 10 mm सैंपल का रेडी कर लेंगे। जैसे कि ये रहा मेरा परसेंटेज, इस हिसाब से हमको टोटल वेट चाहिए। जैसे कि 10 का हमको चाहिए 17.10 चाहिए और 4.75 का चाहिए 97.11 और 2.36 का चाहिए 8.91। इस हिसाब से हमको सबका वेट चाहिए, 10 का चाहिए हमको और ये 4.75 का, इस सबका वेट हमको रिटर्न का लेना है। में ये मेरा सैंपल बनकर रेडी हो चुका है, 10 mm का, 20 mm का, GSB का और WM का। तो जैसे ही इनको सभी का रिटर्न मेटेरियल लिया जाता है और सैंपल को तैयार किया जाता है।